हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर। देखो, कन्वर्टर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इनपुट तुम्हारा एसी रहेगा और इसको हम कन्वर्ट करके डीसी में हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इनपुट इज एसी एंड आउटपुट इज डीसी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज रेक्टिफायर टू, ठीक है। तो ये एक कंट्रोल्ड कन्वर्टर है। इसका मीनिंग क्या होता है, कंट्रोल्ड कन्वर्टर का मतलब होता है यहाँ पे जो तुम स्विचिंग डिवाइस यूज करोगे वो एक थायरिस्टर होगा, डायोड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डायोड यूज करते थे तो क्या होता है, तो तुमको जो आउटपुट मिलता था ना वो अनकंट्रोल्ड आउटपुट होता था, उस आउटपुट को तुम वेरी नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे तुमने एक थायरिस्टर यूज किया है, ठीक है, तो ये एक कंट्रोल्ड डिवाइस होता है जिससे कि तुम आउटपुट को कंट्रोल कर पाओगे। तुमको जो आउटपुट मिलेगा वो एक लोड के अक्रॉस में मिलेगा, डेफिनेटली यू नीड ए लोड टू गेट द आउटपुट वोल्टेज। तो सर्किट देखो, यहाँ पे तुम्हारा इनपुट दिया गया है, एक एसी इनपुट है, सिंगल फेज एसी इनपुट है, और बीच में तुम्हारा एक थायरिस्टर है जो कि एक स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, कंट्रोल स्विच है, और उसके बाद तुम्हारा लोड है जहां पे तुमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सिंगल फेज सप्लाई दिए हैं तो इसलिए इसका नाम सिंगल फेज है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है हाफ वेव का, देखो जो इनपुट होता है उसको तो हम एक साइनसोइडल वेव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एसी वेवफॉर्म जो होते हैं वो बेसिकली साइनसोइडल शेप में होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम एक साइनसोइडल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया है उसको बेसिकली एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के शेप में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस इनपुट का जो वेव शेप है इसमें दो वेव्स हैं, एक पॉजिटिव वेव है और एक नेगेटिव वेव है। देखो यहां से यहां तक तुम्हारा बेसिकली जो है वो एक पॉजिटिव वेव है, और यहां से पाई से लेकर 2π तक जो वेव तुम्हारा है वो एक नेगेटिव वेव है। तो इनपुट के पास दो वेव्स हैं जिनमें से एक पॉजिटिव वेव है और दूसरा तुम्हारा नेगेटिव वेव है, ठीक है। तो तुम बेसिकली इनपुट को ही कंट्रोल करके आउटपुट में लाते हो, तुमको जो आउटपुट मिलता है वो बेसिकली इनपुट से ही आता है, हाँ कि नहीं। तो इनपुट का अगर तुम एक ही वेव को कंट्रोल करके आउटपुट में लाके आते हो तो वो इसीलिए उसको बोलेंगे हम हाफ वेव। लेकिन अगर तुम दोनों ही वेव्स को कंट्रोल करके आउटपुट में लेके आ सकते हो तो वो हो जाएगा फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या तो फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो ये जो पॉजिटिव हाफ वेव है इसी को ही हम कंट्रोल कर रहे हैं और हमको आउटपुट मिल रहा है। जो नेगेटिव हाफ वेव है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस पार्ट को, इसलिए हमको उस पार्ट में कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम एक ही हाफ वेव को कंट्रोल कर रहे हो इनपुट का और उससे कंट्रोल करके तुमको आउटपुट मिल रहा है तो वो हो गया हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। आगे हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें क्या होगा कि इनपुट का जो दोनों वेव्स होंगे पॉजिटिव हाफ वेव और नेगेटिव हाफ वेव, ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट वेव बनाते हैं और दोनों वेव्स का मतलब दोनों वेव्स का कंट्रोल करेंगे और हम आउटपुट में लेके आएंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा फुल वेव। लेकिन देख लो यहाँ पे तुम्हारा पाए से लेकर 2π जो सप्लाई है इनपुट है उसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव हाफ वेव है और इस नेगेटिव हाफ वेव को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमको यहाँ से पाए से लेकर 2π कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ही वेव को कंट्रोल करके आउटपुट हमको मिल रहा है जो कि तुम्हारा पॉजिटिव हाफ वेव है, उसी को ही कंट्रोल करते हैं और हमको आउटपुट मिलता है, इसलिए ये हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसे बोलते हैं। इनपुट का हाफ वेव को ही हम कंट्रोल करके आउटपुट में लेके आते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो अभी देखते हैं ये जो जीरो से स्टार्ट होगा तुम्हारा इनपुट एसी सप्लाई पाए तक जाएगा, उसके बाद पाए से लेकर 2π इसका नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसका रिपीटेशन होगा, मतलब जैसे दिख रहा था वो फिर से अभी वैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा। तो अभी इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना हो सकेगा, 2π होगा कि नहीं, टाइम पीरियड 2π होगा, क्योंकि आफ्टर 2π ये जो वेव है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो फिर से वही शेप में आ रहा है जिस शेप में वो जीरो में आया था। जीरो में वो जैसे बिहेव किया था, जीरो से कैसे बिहेव किया था, इंक्रीज किया था, वैसे ही फिर से देखो 2π से वो अभी इंक्रीज कर रहा है। तो ये 2π जो है और जीरो है, यहां से यहां तक जीरो से लेकर 2π उसका टाइम पीरियड है। तो इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड
कितना है, टी है, या तो मैं बोल सकता हूं टू पाई, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड टी है वो टू पाई है, ठीक है ना। तो अब देखो, तुमने इनपुट दे दिया, पर तुमको पता है इनपुट का जो पोलैरिटी होता है वो एवरी हाफ साइकिल चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे एक हाफ साइकिल के बाद तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया ना, तो यहाँ पे तो सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल था, उसके बाद पाई टू टू पाई तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट का। तो ये तुम्हारा इनपुट है, जहां पे तुम्हारा ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, मतलब अभी तुम्हारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। देखो ये तुम्हारा पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है अभी का। तो इस टाइम क्या होगा, जब ए पॉइंट पॉजिटिव होगा तो ये जो थायरिस्टर का, ये तो कैथोड होता है और ये एनोड होता है, तो एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और कैथोड पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो लेकिन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में तो आ गया है, लेकिन जब तक हम इसको गेट सिग्नल नहीं देंगे थायरिस्टर कंडक्शन नहीं करता है। ये होता है ना डायोड केस में, क्या होता है जैसे ही तुम डायोड को फॉरवर्ड वाइज कर लेते हो वैसे ही वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थायरिस्टर जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, देखो उसको अगर तुम फॉरवर्ड वाइज किए तब भी वो कंडक्शन नहीं करेगा जब तक तुम उसको गेट सिग्नल ना दे दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो जैसे ही ये थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको गेट सिग्नल देंगे तभी जाके वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और हम गेट सिग्नल कहां पे दे रहे हैं, एट अल्फा गेट सिग्नल दिया गया। जैसे ही अल्फा पॉइंट में हमने गेट सिग्नल दे दिया तो ये थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ना। अल्फा कुछ नहीं है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री इन बीच में कोई एक पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं थायरिस्टर को गेट सिग्नल दे दिए। तो जीरो पे वो फॉरवर्ड बैच हो गया लेकिन वो कंडक्शन नहीं स्टार्ट किया होगा, तो हमने क्या किया 10 डिग्री या तो 20 डिग्री छोड़ के गेट सिग्नल दे दिए। जैसे ही गेट सिग्नल दिए थायरिस्टर ऑन और कंडक्शन स्टार्ट। तो ये जो अल्फा है वो 10 डिग्री या तो 20 डिग्री वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने गेट सिग्नल दिया होगा, तो ये उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया अल्फा, मतलब अल्फा वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने थायरिस्टर को गेट सिग्नल दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने गेट सिग्नल दे दिया थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और वो एक रिप्लेस होके एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ बना देगा, मतलब अभी वो जो थायरिस्टर है वो रिप्लेस हो सकता है एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ से, मतलब थायरिस्टर जो है वो अभी शॉर्ट हो गया। तो अभी क्या होगा, तुमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट वोल्टेज के साथ बराबर होगा कि नहीं। देखो इनपुट का जो पॉजिटिव है वो आउटपुट के पॉजिटिव में आ गया और जो सप्लाई का नेगेटिव है वो यहाँ पे आ गया यहां से होके, तो जो इनपुट होगा वही तुम्हारा आउटपुट होगा, है कि नहीं। तो आफ्टर अल्फा देखो तुमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, जो तुम्हारा इनपुट होगा वही तुम्हारा आउटपुट होगा। तो फ्रॉम अल्फा टू पाए, अल्फा से लेकर पाए तक, ये पॉइंट पाए है, तुमको जो वेवफॉर्म मिला वो कैसे मिला, इस शेप का मिला। क्यों मिला, क्योंकि ये जो शेप है वो बेसिकली तुम्हारा सप्लाई का ही शेप है और इसी को ही वो कॉपी किया है, मतलब फॉलो किया है। अल्फा टू पाए, देखो अल्फा टू पाए जो भी तुम्हारा इनपुट होगा वही तुम्हारा आउटपुट होगा, तो उस बेसिस में जो इनपुट का शेप होगा वही शेप तुम्हारा आउटपुट का भी होगा कि नहीं। तो उसके हिसाब से अल्फा टू पाए जो तुमको आउटपुट मिला उसका जो शेप होगा वो एग्जैक्टली मैच करेगा फ्रॉम अल्फा टू पाए जो तुम्हारा इनपुट का शेप रहेगा, इनपुट वोल्टेज का शेप रहेगा। तो इसके हिसाब से तुमको अल्फा से पाए तक क्या मिल गया, अल्फा टू पाए तक तुमको आउटपुट मिल गया। तो लेकिन जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होगा इनपुट का, फ्रॉम पाए टू टू पाए तुम्हारा सप्लाई जो है वो ऊपर का पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और नीचे का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा जैसे ही नेगेटिव सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ये जो तुम्हारा थायरिस्टर था वो अभी फिर से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा थायरिस्टर ऐसे था वो अभी तुम्हारा ओपन हो जाएगा ना। जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तुम्हारा ये थायरिस्टर जो है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में चला जाएगा, है कि नहीं। और थायरिस्टर अगर रिवर्स वाइज कंडीशन में जाता है तो वो रिप्लेस हो सकता है एक ओपन स्विच से। तो जैसे ही तुम्हारा रिवर्स वाइज कंडीशन आएगा तुम्हारा ये जो थायरिस्टर है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ एन ओपन सर्किट। तो इस कंडीशन में तुमको आउटपुट कुछ मिलेगा, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल,
ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ योर सप्लाई, जब तुम्हारा सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब चल रहा था तो तुम्हारा डायोड तो फॉरवर्ड वाइज था, तुमने अल्फा इंटरवल के लिए वेट किया और गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया, जैसे ही गेट सिग्नल दे दिया थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम अल्फा टू पाई तक। लेकिन आफ्टर पाई, फ्रॉम पाई टू टू पाई क्या हो रहा है, सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में चला जाएगा। और जैसे ही वो रिवर्स वाइज हो जाएगा क्या होगा, क्या वो कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स वाइज कंडीशन में वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक ओपन स्विच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये पाथ ही तुम्हारा ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या आउटपुट में तुमको वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज तो बेसिकली डिपेंड करता है करंट के ऊपर। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इफ देयर इज नो करंट ऑब्वियसली देयर विल बी नो वोल्टेज। सो अगर ये तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं पाएगा क्योंकि वो तो ओपन सर्किटेड है। और अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। सो फ्रॉम पाई टू टू पाई यू आर नॉट गेटिंग एनी वोल्टेज। यहां से देखो, पाई से लेकर टू पाई तुमको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिला है और पाई से लेकर टू पाई तुमको कुछ भी करंट भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो जैसे ही तुम टू पाई पे आओगे उसके बाद क्या होगा, फिर से तुम्हारा एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो थायरिस्टर था वो फिर से फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव होके नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और ये जो डायोड है वो फिर से फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी फिर से फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ गया, लेकिन क्या ये ऑन होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने अब तक गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया होगा। तो हमको पता है कि जैसे ये नया सिग्नल स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, नया तुम्हारा इनपुट का साइकिल जो है वो टू पाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम जीरो से इनपुट स्टार्ट हुआ था तो जीरो से अल्फा डिस्टेंस ट्रैवल किए थे और उस पॉइंट पे हमने गेट सिग्नल अप्लाई किया था। तो अगर ये तुम्हारा इनपुट टू पाई से स्टार्ट होगा तो कहां पे जाके तुमको गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, टू पाई प्लस अल्फा पे, सिंपल है ना। देखो जब तुमने जीरो पे इनपुट स्टार्ट हुआ था तो तुमने आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस अल्फा और आफ्टर ट्रैवलिंग एन एंगल अल्फा यू जस्ट अप्लाई द गेट सिग्नल टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। तो अभी जो तुम्हारा इनपुट है वो टू पाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया टू पाई पे, अभी तुम्हारा नेक्स्ट एक साइकिल स्टार्ट होगा टू पाई से स्टार्ट होगा, तो टू पाई पे तुमको थोड़ी ना अप्लाई करना है गेट सिग्नल। तुम जैसे ही तुम्हारा वो फॉरवर्ड वाइज होगा उसी इंस्टेंस में थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हो, कुछ वेट कर रहे हो, कुछ एंगल के लिए वेट कर रहे हो उसके बाद अप्लाई कर रहे हो। तो तुमको यह तो पता है कि जीरो पे वो थायरिस्टर जब वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, वैसे ही टू पाई पे भी तुम्हारा थायरिस्टर जब वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा सप्लाई का। लेकिन तुम थोड़ा वेट कर रहे हो उसके बाद अप्लाई कर रहे हो गेट सिग्नल। कितना वेट कर रहे हो, कितने एंगल के लिए वेट कर रहे हो, अल्फा एंगल के लिए वेट कर रहे हो उसके बाद गेट सिग्नल दे रहे हो। तो हम भी वही करेंगे, टू पाई पे तुम गेट सिग्नल नहीं देना है तुमको, टू पाई पे तो वो थायरिस्टर जो है वो फिर से फॉरवर्ड वाइज हो गया, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड वाइज होगा, हाँ कि नहीं, मतलब वो रेडी हो रहा है, रेडी हो गया, परफेक्टली रेडी हो गया, अभी टर्न ऑन होना है। तो इसलिए तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा सा वेट कर रहे हो, कितना के लिए, कितना एंगल के लिए वेट कर रहे हो, अल्फा एंगल के लिए वेट किए और उसके बाद तुमने गेट पॉज दे दिया और उसको ऑन कर दिया। तो टू पाई पॉइंट्स में जैसे ही थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तुम उस पॉइंट से अल्फा डिस्टेंस आगे जाओ और उस पॉइंट पे गेट सिग्नल दे दो। तो टू पाई पे तो वो थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड वाइज हो गया, जैसे जीरो में फॉरवर्ड वाइज हुआ था लेकिन गेट सिग्नल तुमने आफ्टर ट्रैवलिंग एंगल अल्फा अप्लाई किया था, वैसे ही टू पाई से वो फिर से फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, लेकिन तुम उसी इंस्टेंट में गेट सिग्नल नहीं देना है तुमको, आफ्टर ट्रैवलिंग अल्फा डिस्टेंस और आफ्टर ट्रैवलिंग एंगल अल्फा। तो टू पाई से अगर तुम अल्फा आगे जाओगे तो तुम्हें कौन सा पॉइंट मिलेगा, टू पाई प्लस अल्फा, उसी पॉइंट पे तुम क्या कर रहे हो, फिर से गेट सिग्नल दे रहे हो, इसको दे रहे हो गेट सिग्नल थायरिस्टर को। जैसे गेट सिग्नल दिए थायरिस्टर फिर से टर्न ऑन हो जाएगा और वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये सुनो। तो जैसे वो कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, तुमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो टू पाई प्लस अल्फा में तुम गेट सिग्नल दिए और ये जो कंडक्शन है वो कंटिन्यू होगा थ्री पाई तक, क्योंकि अप टू थ्री पाई तक वो थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज ही रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा सप्लाई का उस टाइम। फ्रॉम टू पाई प्लस अल्फा से लेकर थ्री पाई तक ऊपर का पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और नीचे का पॉइंट नेगेटिव रहेगा, उसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर 3 पाई तक तुमको आउटपुट वोल्टेज भी मिलता रहेगा और ये थायरिस्टर जो है वो
देखो 2π+ अल्फा से लेकर 3π तक ये थायरिस्टर जो है फिर से वो रिप्लेस हो सकता है एक शॉर्ट सर्किट पाथ से, फिर से रिप्लेस हो सकता है एक शॉर्ट सर्किट पाथ से, जिससे कि तुम्हारा करंट फिर से फ्लो होगा, तुमको आउटपुट में वोल्टेज भी मिलेगा और वो जो आउटपुट तुमको मिलेगा वो सिंपली फॉलो करेगा इनपुट को, ठीक है ना। अभी देखो जो इनपुट है वही आउटपुट होगा कि नहीं, ऐसे अगर ऊपर का इनपुट का प्लस को लेकर आउटपुट के प्लस में लगा देंगे और नीचे हम क्या कर रहे हैं इनपुट का जो माइनस है उस पॉइंट को लेके आउटपुट के माइनस में कनेक्ट कर देंगे तो जो ही इनपुट होगा वही आउटपुट भी होगा। तो सेम चीज जैसे यहाँ पे अल्फा से लेकर पाई तक तुम्हारा जो इनपुट था वो ही तुम्हारा आउटपुट हो रहा था, वैसे ही फ्रॉम 2π+ अल्फा से लेकर 2π तक जो इनपुट का शेप रहेगा वेवफॉर्म का वही शेप वही वेवफॉर्म तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज का भी रहेगा। इजी है ना। तो इसीलिए देखो 2π+ अल्फा पे तुम्हारा इनपुट वोल्टेज कितना होगा, इतना होगा, तो यहाँ पे भी 2π+ अल्फा पे इनपुट वोल्टेज तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज इतना ही होगा। जब तुम इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो इतना रहेगा मैक्सिमम पॉइंट में रहेगा, इस पॉइंट पे ये भी तुम्हारा आउटपुट मैक्सिमम पॉइंट में आ जाएगा, और एट 3π तुम्हारा इनपुट जीरो हो रहा है तो 3π पे तुम्हारा आउटपुट भी जीरो होगा। तो फॉलो कर रहा है ना, जो वैल्यू तुम्हारा 2π+ अल्फा में इनपुट का था वही वैल्यू तुम्हारा 2π+ अल्फा में आउटपुट का आएगा, और जो वैल्यू तुम्हारा इनपुट का 3π पे था वही वैल्यू तुम्हारा आउटपुट का 3π पे आएगा। तो ऐसे करके तुमको सेव मिल गया आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है। तो जब तुम्हारा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, कहां से कहां तक कंडक्ट कर रहा है, फ्रॉम अल्फा टू पाई तक तुम्हारा थायरिस्टर कंडक्टिंग कर रहा है, तो उस टाइम तुमको क्या हो रहा है आउटपुट में वोल्टेज भी मिल रहा है और आउटपुट में करंट भी तुमको उस टाइम मिल रहा है। लेकिन जैसे ही थायरिस्टर तुम्हारा रिवर्स वाइज हो जाएगा, और रिवर्स वाइज कहां से कहां तक हो रहा है, फ्रॉम पाई से लेकर 2π तुम्हारा थायरिस्टर रिवर्स वाइज हो जाएगा, मतलब ऊपर का पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और नीचे का पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस टाइम तुम्हारा जो यहाँ पे थायरिस्टर होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज कंडीशन में चला जाएगा। तो जैसे वो थायरिस्टर रिवर्स वाइज कंडीशन में जाएगा तुम्हारा करंट फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिवर्स वाइज कंडीशन में तो हम थायरिस्टर को एक रिप्लेस कर सकते हैं एक ओपन स्विच की तरह। तो इस केस में क्या तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या तुमको आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अंडर द रिवर्स वाइज कंडीशन कहां से कहां तक रिवर्स वाइज कंडीशन मेट कर रहा है थायरिस्टर का, फ्रॉम पाई से लेकर 2π योर थायरिस्टर इज अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन बिकॉज योर सप्लाई पोलैरिटी इज रिवर्स, दैट्स व्हाई योर थायरिस्टर इज अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन, एंड अंडर दैट कंडीशन द थायरिस्टर बिहेव लाइक एन ओपन स्विच। अगर वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा विल यू गेट सम करंट, यू विल नॉट गेट एनी करंट, द करंट कांट फ्लो इन दिस सर्किट बिकॉज हियर द पाथ इज ओपन। सो अगर करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा क्या तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तब होगा जब करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो इफ देयर इज नो करंट हाउ कैन यू गेट वोल्टेज, सो अंडर द ओपन सर्किट कंडीशन ऑफ योर थायरिस्टर यू विल नॉट गेट एनी करंट और एनी वोल्टेज एट द आउटपुट, ठीक है। सो रिवर्स वाइज कंडीशन कहां से कहां तक मीट कर रहा है, फ्रॉम पाई से लेकर 2π योर थायरिस्टर इज अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन because of the supply polarity and that's why it will behave like an open switch and hence you can replace the thyristor with a open circuit and under that condition you will not get any voltage or any current, that's why from pi to 2π you are not getting any voltage or any current, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि 2π से लेकर 2π+ अल्फा क्या हो रहा है। 2π पे तुम्हारा फिर से क्या होगा, थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई का जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर से कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ऐसे होकर तुम्हारा सप्लाई अपना पोलैरिटी को रिवर्स करता रहेगा। तो जब ये कंडीशन आएगा फ्रॉम 2π से लेकर 3π योर ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव, ए पोटेंशियल इज एट हायर, ए इज एट ए हायर पोटेंशियल and B is at a lower potential, under this condition your thyristor, you know, under this condition your thyristor will be forward wise. You need anode to be connected to a positive potential to turn or to forward wise the thyristor. So ऐसे condition में तुम्हारा thyristor फिर से forward wise condition में तो आ गया, लेकिन you are not applying gate signal right now. उसी instant में तुम gate signal apply नहीं करते हो जिस instant में thyristor तुम्हारा forward wise होता है। तुम क्या करते हो, उस पॉइंट से अल्फा डिस्टेंस जाते हो
और उसके बाद ही अप्लाई करते हो तो तुम्हारा टू पाई पे तो तुम्हारा थाईस्टर फॉरवर्ड हो गया, लेकिन यू नीड टू अप्लाई द गेट सिग्नल आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस अल्फा। सो यू जस्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस अल्फा एंड यू रीच एट ए पॉइंट कॉल्ड टू पाई प्लस अल्फा। देखो यहां से यहां तक तुम्हारा डिस्टेंस टू पाई है और यहां से तुमने अल्फा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहां पे पहुंचे हो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, टू पाई प्लस अल्फा होगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। सो एट दैट टू पाई प्लस अल्फा यू जस्ट अप्लाई गेट सिग्नल अगेन टू द थायरिस्टर एंड हेंस द थायरिस्टर अगेन टर्न ऑन और वो कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो 2 पाई प्लस अल्फा में वो फिर से कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही तुम्हारा थायरिस्टर के अक्रॉस में भी आ जाएगा, मतलब उतना ही तुम्हारा लोड के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। तो इस पॉइंट में जितना भी तुम्हारा इनपुट वोल्टेज रहेगा उतना वोल्टेज तुम्हारा इस पॉइंट में आउटपुट में मिलेगा, और जैसे जैसे तुम आगे आगे जाते रहोगे तुम ये शेप को फॉलो करते रहोगे, मतलब ये जितना इनपुट होगा उतना ही तुमको आउटपुट में भी मिलता रहेगा। कब तक ऐसा होगा, अप टू 3 पाई, क्योंकि 3 पाई के बाद तो फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल सप्लाई के आता है और तुम जानते हो जैसे ही सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा और वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज का शेप है वो तुमको मिल रहा है, और एज इट इज ए रेजिस्टिव लोड तुमको ये पता होता है कि जो रेजिस्टिव लोड होते हैं उनमें वोल्टेज और करंट का जो वेव शेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता है। तो जो शेप तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज का रहेगा वही शेप तुम्हारा आउटपुट करंट का भी रहेगा, हाँ कि नहीं। तो जो शेप तुमने वोल्टेज का ड्रॉ किया हो आउटपुट वोल्टेज का वही शेप तुम्हारा आउटपुट करंट का भी रहेगा। देखो रजिस्टर केस में होता क्या है, जो वोल्टेज एंड करंट होते हैं वो सेम फेज में रहते हैं, सेम फेज में रहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर मेरे पास दो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये 10th फ्लोर है, हम वोल्टेज को और करंट को बोले कि जाओ तुम ऊपर तक जाओ फिर से नीचे आना, करंट को भी बोले तुम ऊपर जाओ फिर से नीचे आओ, तो इस केस में क्या होगा, अगर एक रेजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में रहेंगे, मतलब ये वोल्टेज जब जाके टॉप फ्लोर में रीच करेगा उस टाइम तुम्हारा करंट भी जाके टॉप फ्लोर में रीच कर गया होगा। देख लो यहां पे, देखो इस पॉइंट में तुम्हारा जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है, हाँ कि नहीं, और उसी इंस्टेंट में तुम्हारा आउटपुट करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों सेम टाइम में जाके टॉप फ्लोर में रीच कर गए। और यहां पे देखो यहां पे तुम्हारा जीरो हुआ, ये भी जीरो हो गया, मतलब ये दोनों एक साथ भी नीचे पहुंच भी गए, जब उनको बोला गया कि तुम नीचे आओ तो दोनों सेम टाइम में नीचे आए। तो यहां पे तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन फास्ट आया कौन सेकंड आया, दोनों ही फास्ट कर गए, मतलब दोनों ही विन किए मैच को। तो ये होता है रेजिस्टिव लोड के केस में, जब वोल्टेज एंड करंट को सेम फेज में रखा जाता है, वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मिनिमम होगा करंट भी मिनिमम होगा, और दोनों का शेप उसी हिसाब से सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज एंड करंट का वेवफॉर्म तुमको मिल गया। अब देखते हैं कि थायरिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज का ये शेप है, ये थायरिस्टर अक्रॉस में वोल्टेज तुमको कैसे मिलता है। तो तुमको ये पता है कि जीरो से लेकर अल्फा तक तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो है, लेकिन एज यू आर नॉट अप्लाइंग द गेट सिग्नल इट इज इन ऑफ कंडीशन, मतलब तुम्हारा थायरिस्टर ऑफ ही रहेगा। तो उस टाइम तुमको थायरिस्टर के अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिलेगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही तुम्हारे थायरिस्टर के अक्रॉस में आ जाएगा कि नहीं। देखो ये सप्लाई वोल्टेज था तुम्हारा प्लस माइनस, और जब इस कंडीशन में तो करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये एक नॉर्मल पाथ ही है जहां पे कुछ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा, तो यहाँ पे जो लोड वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि या तो ये जो रजिस्टर है उसको एक शॉर्ट सर्किट पाथ से रिप्लेस कर सकते हैं। करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, कुछ नहीं है, रेजिस्ट कर सकता है क्या, नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल वायर की तरह ही बिहेव करेगा इस कंडीशन में। तो अब तुम देखो इस कंडीशन में थायरिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है वही आएगा, ये प्लस जो है वो प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस जो है वो माइनस से कनेक्टेड है, मतलब ये जो वोल्टेज है वो बेसिकली इसके अक्रॉस में ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से हमको ये पता चला कि जब थायरिस्टर ऑफ होता है उसके अक्रॉस में सप्लाई वोल्टेज आ जाता है। तो जीरो से लेकर अल्फा हमारा थायरिस्टर तो जो है वो ऑफ कंडीशन में होगा, फॉरवर्ड वाइज तो होगा लेकिन ऑफ कंडीशन में रहेगा क्योंकि हमने गेट सिग्नल नहीं दिया होगा।
तो इसलिए फ्रॉम जीरो टू अल्फा यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज, यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर एग्जैक्टली सेम एज योर सप्लाई इनपुट वोल्टेज। जो इनपुट वोल्टेज का सेप होगा वही तुम्हारा थायरिस्टर के अक्रॉस में सेप होगा। यहाँ पे हमने ये देखा ना Vs इज इक्वल टू Vt, मतलब सप्लाई वोल्टेज का जो सेप होगा वही तुम्हारा Vt का सेप होगा। Vt वेवफॉर्म का सेप भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जिस टाइम तुम्हारा थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में आता है बेसिकली उसी टाइम ही तुमको उसका अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा। ऑन हो जाएगा तो वो तो शॉर्ट हो गया, मतलब उसके अक्रॉस में वोल्टेज जीरो है। लेकिन जीरो टू लेकर अल्फा योर थायरिस्टर इज इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन बट इट इज नॉट ट्रिगर्ड, दैट्स व्हाई यू विल ऑब्वियसली गेट सम वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, है कि नहीं। ऑन जब तक नहीं है तुमको उसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा। तो जीरो से लेकर अल्फा तक तुम्हारा थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में तो होगा, लेकिन एज इट इज नॉट टर्निंग ऑन यू विल डेफिनेटली गेट सम वोल्टेज अक्रॉस इट। एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इट, इट इज द सप्लाई वोल्टेज। यू विल गेट द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज योर इनपुट वोल्टेज। तो जीरो से लेकर अल्फा तक अगर तुम देखोगे तो इनपुट वोल्टेज का सेप कैसा है, ऐसा है ना, तो वैसे ही सेप का तुम्हारा रहेगा थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। अब देखते हैं कि अल्फा से लेकर पाई तक तुम्हारा थायरिस्टर का जो अक्रॉस में वोल्टेज होगा उसका सेप कैसे होगा, कुछ वोल्टेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तुमको तो ये पता है कि अल्फा से लेकर पाई तक यो थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड ऑन, एंड जब वो थायरिस्टर ऑन कंडीशन में होता है वो एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो एक शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस में, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस में तुम वोल्टेज अगर मेजर करोगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। यही तुम्हारा थायरिस्टर अक्रॉस में वोल्टेज है, ये पॉइंट का पोटेंशियल इतना रहेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना रहेगा। तो जो तुम अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में तो जीरो दिखाएगा कि नहीं। तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर व्हेन द थायरिस्टर इज इन ऑन कंडीशन। जब थायरिस्टर तुम्हारा ऑन कंडीशन में होगा उसके अक्रॉस में तुमको वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फ्रॉम अल्फा टू पाई यू आर नॉट गेटिंग एनी वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फ्रॉम पाई से लेकर टू पाई तक योर थायरिस्टर इज इन रिवर्स वाइज कंडीशन, है कि नहीं। योर सप्लाई इज इन रिवर्स कंडीशन, योर सप्लाई नेगेटिव हाफ साइकिल इज गोइंग ऑन, मतलब फ्रॉम पाई से लेकर टू पाई ये पॉइंट नेगेटिव होगा और ये वाला पॉइंट तुम्हारा पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में ये थायरिस्टर तुम्हारा रिवर्स वाइज कंडीशन में हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो उस कंडीशन में क्या ये तुम्हारा ऑन है, नहीं, ऑफ होगा ना, ठीक है। तो ऑफ है तो उसके मतलब इसका अक्रॉस में कुछ वोल्टेज भी होगा। तो वोल्टेज कितना होगा, जो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज का सेप है उसी को फॉलो करता है। हमने वो दिखाया था कि Vt इज इक्वल टू योर सप्लाई वोल्टेज। सो Vt इज इक्वल टू Vs का मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज का सेप होगा उसी को ही वो फॉलो करेगा। तो देखो अल्फा से लेकर टू पाई योर सप्लाई वोल्टेज सेप इज लाइक दिस। सो सिमिलर सेप यू विल गेट फ्रॉम पाई टू टू पाई। सो फ्रॉम पाई टू टू पाई व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस योर थायरिस्टर, दिस इज द सेप ऑफ वोल्टेज दैट विल डिफाइन द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर फ्रॉम पाई टू टू पाई। सो अगर कोई पाई से लेकर टू पाई के इंस्टेंट में थायरिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करेगा तो वो इतना ही आएगा, मतलब वो नेगेटिव में ही आएगा। कोई भी इंस्टेंट में मेजर कर लो वो नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है। अच्छा फ्रॉम टू पाई टू टू पाई प्लस अल्फा, फ्रॉम टू पाई टू टू पाई प्लस अल्फा क्या होता है, तुम्हारा टू पाई से टू पाई प्लस अल्फा योर सप्लाई इनपुट इज लाइक दिस। योर अपर पॉइंट इज पॉजिटिव एंड लोअर पॉइंट इज नेगेटिव। अंडर दिस कंडीशन योर थायरिस्टर इज अगेन फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। लेकिन यू आर नॉट अप्लाइंग गेट सिग्नल, यू विल अप्लाई द गेट सिग्नल आफ्टर टू पाई प्लस अल्फा। तो फ्रॉम टू पाई टू टू पाई प्लस अल्फा द थायरिस्टर इज अंडर फॉरवर्ड वाइज कंडीशन। देखो यहां से यहां तक तुम्हारा सप्लाई तो पॉजिटिव में होगा, इनपुट जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल तुम्हारा चल रहा है, मतलब तुम्हारा थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइज होगा। लेकिन यू आर नॉट अप्लाइंग गेट सिग्नल, दैट्स व्हाई फ्रॉम टू पाई टू टू पाई प्लस अल्फा योर थायरिस्टर इज इन ऑफ स्टेट, वो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो ऑफ स्टेट में है तो उसका मतलब इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज भी रहेगा। सो टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा थायरिस्टर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज होगा, और जो वो वोल्टेज होगा उसका सेप किसको फॉलो करता है, सप्लाई वोल्टेज की सेप को फॉलो करता है। और टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा सप्लाई वोल्टेज का सेप कैसा है, ऐसा है ना। तो इसलिए टू पाई से लेकर टू पाई प्लस अल्फा तक तुमको सप्लाई वोल्टेज जो थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो इसी सेप का होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके तुम्हारा सेप तुम्हारा आएगा थायरिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। अगर तुम टू पाई प्लस अल्फा से
देखोगे 3 पाई तक, तो तुमको पता है कि इस पॉइंट में तो तुमने थायरिस्टर को ऑन कर दिया, तो जैसे थायरिस्टर ऑन होगा उसके अक्रॉस में वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो कब तक ऑन रहेगा? फ्रॉम 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई, योर थायरिस्टर इज इन ऑन कंडीशन। सो इसलिए फ्रॉम 2 पाई प्लस अल्फा टू 3 पाई यू विल नॉट गेट एनी वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, ठीक है ना। सो अब देखते हैं इसमें फायरिंग एंगल अल्फा होता क्या है। फायरिंग एंगल को हम मेजर करते हैं कहां से कहां तक, ये पॉइंट से मेजर करते हैं इस पॉइंट तक। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो ये पॉइंट क्या है, अगर तुम थायरिस्टर को रिप्लेस करते हो एक डायोड से, तो तुम्हारा आउटपुट कहां से आना शुरू होगा, जीरो पॉइंट से आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। डायोड होगा तो क्या होगा, जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस होगा वैसे ही वो आउटपुट में आना शुरू हो जाएगा, आउटपुट तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फायरिंग एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, दो पॉइंट से डिफाइन करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को फायरिंग एंगल बोलते हैं। एक पॉइंट तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक थायरिस्टर को रिप्लेस कर देंगे एक डायोड से, तो हमारा आउटपुट किस पॉइंट से आना शुरू होगा उस पॉइंट को मार्क किया जाए। तो हम देखें कि आउटपुट हमारा इस पॉइंट से आना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट को मार्क किए। अब देखते हैं कि अगर एक थायरिस्टर है तो उसको हम किस पॉइंट में ट्रिगर कर रहे हैं, हमको पता है कि हम इस पॉइंट में ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हमको पता हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो एंगल है, दो पॉइंट्स के बीच में जो एंगल है, उसी एंगल को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। सो हाउ कैन यू डिफाइन फायरिंग एंगल, बहुत इजी है। हम जानते हैं कि जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, और दो पॉइंट्स के बीच में जितना एंगल बना उसी को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। एक पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट एक पॉइंट है और ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट तुम जानते हो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट में तुम थायरिस्टर को ट्रिगर कर रहे हो। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अगर तुम थायरिस्टर को रिप्लेस कर दोगे डायोड से, तो तुमको आउटपुट मिलना कहां से शुरू होगा, जहां से आउटपुट मिलना शुरू होगा वो वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा जीरो पॉइंट, और तुमको फायरिंग एंगल मेजर करना है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जितना एंगल आएगा वही होगा फायरिंग एंगल, ठीक है। सो अभी और एक एंगल पढ़ते हैं, तो तुमको ये पता चल गया कि ये तुम्हारा फायरिंग एंगल होता है। और एक एंगल होता है एक्सटिंक्शन एंगल, जिसका नाम दिया जाता है बीटा बोल के। तो बीटा क्या होता है बेसिकली, इसको भी हम दो पॉइंट से मेजर करेंगे। एक पॉइंट तो तुमको जानते हो कि अगर थायरिस्टर को रिप्लेस कर देंगे डायोड से, तो जहां से कंडक्शन, जहां से तुमको आउटपुट मिलना शुरू होगा, आउटपुट वोल्टेज या तो आउटपुट करंट, उस पॉइंट्स को मार्क करो। तो दूसरा पॉइंट कहां पे होगा, जिस पॉइंट में तुम्हारा करंट डिक्रीज करके जीरो हो रहा है। देखो यहां पे तुमको करंट मिलना शुरू हुआ आउटपुट में, और करंट इंक्रीज करके मैक्सिमम यहां पे हुआ, फिर से डिक्रीज करके इस पॉइंट में तुम्हारा जीरो हो गया। तो जिस पॉइंट में करंट जीरो हुआ उस पॉइंट को मार्क करो बीटा से, और उसको मेजर करना है कौन से पॉइंट से, जीरो पॉइंट से। मतलब अगर थायरिस्टर को रिप्लेस करते हो डायोड से, तो जहां से तुम्हारा आउटपुट करंट या तो आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू होता है उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट में तुम्हारा करंट अगेन जीरो हो जाता है, तो उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ होगा या तो एंगल होगा उसी को बोलेंगे फायरिंग एंगल, उसी को बोलेंगे एक्सटिंक्शन एंगल, बीटा, बीटा को बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। अच्छा अभी और एक एंगल है, उसको बोलते हैं कंडक्शन एंगल। अल्फा तो पता चल गया, दो पॉइंट्स के बीच में एक एंगल मेजर करते हैं, एक एंगल, एक पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट में हम थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, अगर थायरिस्टर को रिप्लेस कर दो डायोड से, तो आउटपुट आना कौन से पॉइंट से शुरू होगा। हमको पता है कि अगर डायोड से रिप्लेस कर देंगे तो आउटपुट यहां से आना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके इस पॉइंट से ही आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो ये पॉइंट और जिस पॉइंट से हम थायरिस्टर को ट्रिगर कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, वो तुम्हारा हो जाएगा फायरिंग एंगल, ठीक है। अभी हमको डिफाइन करना है बीटा को, तो बीटा का एक पॉइंट को जानते हो, जैसे थायरिस्टर को ऑन करते हैं, जैसे जिस पॉइंट से तुम्हारा आउटपुट आना शुरू होगा उस पॉइंट से हम जीरो लिख देंगे। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, जिस पॉइंट में तुम्हारा करंट जो है वो जीरो हो रहा है। देखो ये जो तुमको करंट मिला, ये करंट तुम्हारा जीरो इस पॉइंट में हुआ, तो इस पॉइंट का नाम दे दिए बीटा, और इसको मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक बीटा, ठीक है। तो अगर तुम बीटा से अल्फा को माइनस करोगे, तुमको जो एंगल मिलेगा उसको बोलते हैं कंडक्शन एंगल। बीटा से अल्फा को माइनस कर दोगे तो जो एंगल मिलेगा उसको बोलते हैं कंडक्शन एंगल। तो कंडक्शन एंगल तुम्हारा बेसिकली बीटा, गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होता है।
सो अगर तुम एक्सटिंक्शन एंगल को माइनस कर रहे हो अल्फा से, एक्सटिंक्शन एंगल से अल्फा को माइनस कर देते हो तो तुमको गामा मिलता है, और गामा को क्या बोला जाता है, कंडक्शन एंगल। तो बेसिकली कंडक्शन एंगल होता क्या है, इतने एंगल के लिए तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो ऑन हो, ऑन कंडीशन में होता है, तुम्हारा आउटपुट में तुमको करंट मिलता है। तो कंडक्शन एंगल को बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे, ये वो एंगल है जिस एंगल में जो एंगल में तुम्हारा थायरिस्टर जो है वो ऑन कंडीशन में होता है और तुमको आउटपुट में करंट मिलता है। तो बेसिकली जहां से जहां तक तुमको करंट मिल रहा है, देखो फ्रॉम अल्फा से लेकर यहां तक बीटा तक तुमको करंट मिला है, तो इतना एंगल को तुम बोल दोगे कंडक्शन एंगल। तो यहां से इतना तक का लेंथ कैसे मेजर करो, ये जीरो पॉइंट है और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमको पता है कि यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा जो कंडक्शन हो रहा है फ्रॉम अल्फा टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू पाई, इन दिस केस बीटा इज इक्वल टू पाई। सो अगर तुम बीटा से अल्फा को माइनस कर दोगे तो इतने का एंगल मिल जाएगा, और इतने ही एंगल के लिए तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो कंडक्टिंग स्टेट में रहता है। तो गामा इज सिंपली सेइंग कितने एंगल के लिए जो तुम्हारा स्विचिंग डिवाइस है वो ऑन है या तो कंडक्ट कर रहा है, उतने एंगल को बोलते हैं कंडक्टिंग एंगल, जिसको तुम बीटा माइनस अल्फा करके निकाल सकते हो। बीटा क्या है, एक्सटिंक्शन एंगल, अल्फा होता है तुम्हारा फायरिंग एंगल। तो अगर तुम अल्फा से बीटा को माइनस कर देते हो तुमको मिलता है क्या, कंडक्शन एंगल। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो फ्रॉम पाई से लेकर टू पाई ओमेगा टी, ये जो एक्सिस है ये तुम्हारा ओमेगा टी एक्सिस है ना, तो यहां से यहां तक तुम बोल सकते हो कि ये ओमेगा टी है, और ये कौन सा रीजियन है, इतना एंगल के लिए तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में है, बोल सकते हैं कि नहीं, यहां से यहां तक तुम्हारा जो थायरिस्टर है वो रिवर्स वाइज कंडीशन में है, इसलिए तुमको आउटपुट भी कुछ नहीं मिला ना, रिवर्स वाइज स्टेट में है फ्रॉम पाई से लेकर टू पाई, इसलिए तुमको आउटपुट भी कुछ नहीं मिला है। तो यहां से तुमको ये पता चला कि जो थायरिस्टर है वो कितने एंगल के लिए रिवर्स वाइज कंडीशन में है, तो इतना एंगल के लिए, तो इतना एंगल कैसे पता करोगे, जीरो से लेकर ये तक टू पाई है और यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा पाई है। सो अगर तुम टू पाई से पाई को माइनस कर दो तो तुमको इतने का लेंथ मिल जाएगा, तो टू पाई माइनस पाई इज सिंपली इक्वल टू पाई इज योर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। मतलब देखो ये जो पाई है ये एंगल के लिए तुम्हारा थायरिस्टर जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो हम ये एंगल को ओमेगा टी, मतलब एंगल होता है, सो ओमेगा टी को हम इक्वल लिख सकते हैं पाई के साथ, हमको यहाँ पे ओमेगा टी पाई मिला ना, सो ओमेगा टी इक्वल टू पाई है, तो यहां से टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं। सो अगर तुम्हारा ओमेगा टी इक्वल टू पाई आएगा तो यहां से देखो यहां से यहां तक ओमेगा टी तुम्हारा पाई है, तो ओमेगा टी पाई है तो टी कितना होगा, पाई बाय ओमेगा, और ये जो टाइम है ये तुमको बेसिकली बताता है कि कितने टाइम के लिए योर थायरिस्टर इज अंडर रिवर्स वाइज कंडीशन। सो इसी को हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी बोलते हैं। सो टी इज बेसिकली इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, और इस टाइम को हम बोलते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया अल्फा क्या होता है, फायरिंग एंगल, बीटा होता है एक्सटिंक्शन एंगल, एक्सटिंक्शन एंगल मतलब इस एंगल पे तुम्हारा करंट अगेन जीरो कर जाता है, यहां से तो पहले जीरो था करंट, फिर कहां पे जीरो हुआ, इस पॉइंट में तुम्हारा करंट जीरो हो गया, और कंडक्शन एंगल डिफाइन किए, और क्या डिफाइन किए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम टीसी। और जो ये जो रिवर्स वाइज कंडीशन में है, यहाँ पे यहां से यहां तक का जो लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है वो होगा तुम्हारा बीएम, जैसे यहां से यहां का बीएम है वैसे यहां से यहां तक तुम्हारा बीएम होगा, और वो तुम्हारा पीक इनवर्स वोल्टेज, उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू बीएम, मैक्सिमम ऑफ द इनपुट वोल्टेज। बीएम तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, जो इनपुट वेव फॉर्म है उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा उसी को बीएम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा यहां से यहां तक जो वोल्टेज होगा वो उसको हम बीएम कहा गया है, और वो तुमको डिफाइन करना है पीक इनवर्स वोल्टेज के हिसाब से, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज, कितना मैक्सिमम पीक, पीक का मतलब क्या होता है, कितना मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज आ सकता है तुम्हारा थायरिस्टर के अक्रॉस में, वो कितना आ सकता है, बीएम आ सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस में। सो पीक इनवर्स वोल्टेज डिफाइन हो गया, अल्फा डिफाइन कर दिए, बीटा को डिफाइन किए,
और तुम्हारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम को डिफाइन किए। अभी इसका जो सेकेंड वीडियो रहेगा उसमें हम क्या निकालेंगे, ये जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिला है इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, इसके साथ साथ इसका आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम इसका जो आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, एवरेज के बाद आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट करंट, और कुछ होता है तुम्हारा आउटपुट पावर कितना कैसे निकालोगे, और तुम और एक दो तीन पैरामीटर्स हैं जो कि हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इनपुट पावर फैक्टर एक पैरामीटर होता है, तो जो ये सब परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में या तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफाइन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।